सभी के चेहरे के ऊपर हंसी लाने के लिए। मतलब ये कहने से मैं मान लूंगा कि तुम्हें सही पता था। बहुत हो चुकी खींचतानी, अब तो नजर मिलाओ तुम। परंतु मुझे तुझ पर दया भी आ रही है कि आखिर तू औलाद तो मेरी है। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। की खुशी की मुस्कुराहट की ठाकों की इस महफिल में आपका स्वागत है। मैं जानता हूं आप बेताबी से बेसब्री से मेरा इंतजार करते हैं, और जब इंतजार करते हैं तो इंतजार का मजा मीठा ही नहीं होना चाहिए, इंतजार का मजा ठाकेदार भी होना चाहिए, खुशी भरा होना चाहिए, मुस्कुराहट भरा होना चाहिए, और इंतजार का मजा दिल को तसल्ली देने वाला, सुकून देने वाला होना चाहिए। तो आपका इंतजार का जो फल है ये बड़ी तसल्ली देगा आपको, इसलिए इस इंतजार के फल के लिए हम कहते हैं वाह भाई वाह। लोगों से कुछ पूछा जाए तो उनके रिएक्शंस बड़े अच्छे होते हैं। एक साहब जो बहुत देर तक तो किसी ने आके कहा कि भाई गुटखा सरकार ने महंगा कर दिया है तो अब क्या करोगे। अरे क्या करोगे, करेंगे क्या, आधा घंटा देर से थूकेंगे। इलाज देखिए आप लोगों के पास, लेकिन इलाज करने में जो समस्या हो जाती है वो बड़ी कमाल की है। हमारे एक दोस्त है, उनके पड़ोस में एक जो बुढ़िया थी, बमुश्किल 30-40 सेकंड में घर से बाहर आए, फिर अंदर जाए, फिर बाहर आए, फिर अंदर जाए, हर 30-40 सेकंड में यही कर रही थी। तो मेरे दोस्त से रानी गया, पूछा माँ जी क्या हुआ, क्या क्यों अंदर बाहर हो रही हो। अब क्या बताऊं बेटा, नहीं मेरी बहू सुबह ही सुबह टीवी पे योगा सीख रही है, और वो जो बाबा जी योगा सिखा रहे हैं वो हर थोड़ी देर में कह रहे हैं सांस को अंदर लो, सांस को बाहर करो, सांस को अंदर लो, सांस को बाहर करो। लोगों का रिएक्शन बड़ा कमाल के होते हैं। जैसे एक पति अपनी पत्नी से बोला, डालिक एक पिक्चर बना रहा हूं, पिक्चर एक सीन है तुम्हें करना है, करोगी क्या, करोगी ना, जरूर करूंगी। तो पिक्चर में सीन ऐसा है, नदी है, पानी है, तुम्हें ऐसे धीरे 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 अंदर जाना है, अदर टॉप शॉट लगाओ कैमरा का पानी में, धीरे 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 अंदर जाना, जरूर जरूर करूंगी, हाय राम क्यों नहीं करूंगी। क्या नाम है पिक्चर का, गई भैंस पानी में। लेकिन यहां कुछ भी पानी में नहीं जाता, यहां तो आपका खून बढ़ाने का काम होता है, और खून बढ़ाने के तीन चिकित्सक हमारे बीच में बैठे हैं, जिसमें से एक शकील भारती उर्फ शकील मालेगावी है, एक विजय दीनानाथ चौहान अचानक सीधे हो गए हैं, ये लखनऊ से हमारे बीच में आते हैं, इनका नाम पंकज प्रसून है, और पंकज प्रसून के पास जो बैठे हैं भ्रष्ट नेता सी मुस्कान, हा 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 वाह, होती है नेताओं के पास न लज्जा न शर्म न हया, बस वैसी मुस्कान लेके बैठे हैं। मध्य प्रदेश में खरगोन एक कस्बा है, उसके पास कसरावत गांव में रहते हैं, इनका नाम महेश अनगढ़ है, और ये अनगढ़ मिट्टी से बने हुए आते हैं, लेकिन कविताएं बड़ी कमाल की गढ़ते हैं। तो एक बार इन तीनों के लिए कहते हैं वाह भाई वाह। और महेश अनगढ़ एक ऐसी प्रतिभा जिनको पहली बार हम प्रस्तुत कर रहे हैं, जब पहली बार मैं किसी को टेलीविजन पर लेके आता हूँ तो मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होता। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आज मेरे जीवन का बहुत बड़ा सपना साकार हो गया, आज शैलेश जी ने जो मुझे यहाँ पर आमंत्रित करके मुझे प्रोत्साहित किया है, इसलिए मैं हमेशा हमेशा के लिए इनका चीफ मिनिस्टर हो गया। हमेशा हमेशा के लिए क्या, चीर ऋणी हो गया आपका, मैं हमेशा हमेशा के लिए बोल दिया तो चीर कहने की क्या जरूरत है, चीर का मतलब ही हमेशा हमेशा के लिए ही होता है। हमेशा हमेशा के लिए ऋणी हो गया, चिर ऋणी हो गया, दोनों के फंसाने की क्या जरूरत है, ये तो ऐसा हुआ ठंडा कोल्ड ड्रिंक दे। या फिर गीला पानी।
काला अंधेरा। अरे भाई जब एक शब्द बोल दिया है तो कहने या सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक, अरे मॉर्निंग वॉक तो सुबह ही होती है यार, जब हमेशा हमेशा के लिए कह दिया तो चिर कहने की क्या जरूरत थी। सभी के चेहरे के ऊपर हंसी लाने के लिए। वाह 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 वाह, मतलब ये कहने से मैं मान लूंगा कि तुम्हें सही पता था। यस। हाथ फैलाने से अनगढ़ जी बात ठीक नहीं हो जाएगी। तो ये है महेश अनगढ़ जो हमारे बीच में कसरावत से आते हैं। तो आइए इस महफिल की शुरुआत करते हैं, और महफिल की शुरुआत करना आसान नहीं होता, लेकिन एक आदमी जो बड़ी आसानी से मुश्किल काम कर लेता है उसका नाम होता है शकील भारती। जरा जोरदार से स्वागत कीजिए शकील भारती। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोग हमें देख रहे हैं, दीदार कर रहे हैं। सर इजाजत शुरू करें। जी जी बिल्कुल, आप भी ध्यान दें, ध्यान देने के अलावा और कुछ दे नहीं सकते आप। एक शेर सुना दूं मैं, एक दफा उससे मिलाई थी नजर, एक दफा उससे मिलाई थी नजर, 30 बरस से है वो मेरे घर। अच्छा नहीं, मैं असल में ये शेर नहीं सुना रहा हूँ, आपकी भी जीवन की आप बीती बता रहा हूँ। और जब भी पत्नी का कोई जिक्र करो ऐसा लगता है यमराज की बात हो रही है, मगर यमराज जी अच्छे हैं, वो एक दफा मारते हैं। हाय हाय। अपने 2-3 शेर सुनाता हूँ। मुंबई एक लैंग्वेज है, टपोरी लैंग्वेज में बड़ा अच्छा शेर है कि सबको अपना शेर सुनाना हलवा है क्या। वाह। सबको अपना शेर सुनाना हलवा है क्या, हलवा है क्या, शब्दों से फिर भेजा खाना हलवा है क्या, क्या शब्दों से फिर भेजा खाना हलवा है क्या, लड़की का क्या 1 मिनट में सट हो जाती है। ये ऐसे दांत दे रहे हैं मुझे लग रहा है वही सट हो गए हैं। हलवा है क्या, लड़की का क्या 1 मिनट में सट हो जाती है, बाद में उसका खर्च उठाना हलवा है क्या, क्या? नहीं हलवा है क्या, बाइक चलाना प्लेन चलाना इजी है। बाइक चलाना प्लेन चलाना इजी है, मेहनत करके घर को चलाना हलवा है क्या। क्या बात है, वाह वाह शकील वाह, बहुत शकील। मेहनत करके घर को चलाना हलवा है क्या, इसके उसके मुंह से छीन के कोई भी खा सकता है। अच्छा, किसी नेता का लूट के खाना हलवा है क्या, क्या? सर एक इसमें तो बहुत काफी हो सकते हैं शकील जी। सर गर्मी में तो ये काम सारे ही करते हैं जी, सर्दी में रोज रोज नहाना हलवा है क्या, क्या बात है। मैं तो सर ये 55 बरस से कर रहा हूँ, रोज खा रहा हूँ रोज, मगर फर्क नहीं पड़ रहा है। ज्ञानी लोग बोलते हैं कोशिश करना चाहिए, एक दिन रिजल्ट आएगा। हालांकि ये 3 पीढ़ी से रिजल्ट आया नहीं है। शकील तुम्हारे खूबसूरती का क्या कहूँ, शकील तुम्हारी खूबसूरती का क्या कहूँ, इस रंग पे कोई और रंग चढ़ाना हलवा है क्या। कमाल है, शेर ऐसे ही सुनाओ कि पूरी बाजार में लोग शायर पैदा हो जाए। और शैलेश जी तो बहुत पुराने मेरे से पहले से इस फील्ड में है, अल्लाह आपको अच्छा रखे। ये बड़े कमाल की बात होती है सर, भगवान सबके हाथ में वो काम नहीं देता, पूरे हिंदुस्तान के उर्दू के हिंदी के कवियों को ये एक रिश्ता बना के रखे हैं शैलेश भाई, उनके लिए जोरदार तालियां बजा दें। और जिस दौर में फूवड़ता घर घर जा चुकी हो, उस दौर में शेर सुनवाना हलवा है क्या, क्या क्या बात है। लेकिन खुशी है शेवारू टीवी ये काम कर रहा है, इसकी हमें बड़ी खुशी है जी। शुक्रिया सर, आपने पसंद किया,
यही तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवार्ड है। शुक्रिया। एक तो मैंने ध्यान नहीं दिया, आप तीनों आज लगभग यूनिफॉर्म में ही बैठे हुए हैं। तीनों के ये जो वेस्ट कोट बंडी जो पहनी हुई है, तय करके आए थे आप अमर अकबर एंथनी? लेकिन हिंदुस्तानी आदमी कमाल का है, जब कोई उत्तर ना आए तो कुछ भी बोल दो। जैसे कोई भी सवाल करो पंकज मुझसे। जीवन क्या है? गांव वालों ने कहा कि ये आके क्या बताएगा कि जीवन क्या है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जीवन क्या है। जीवन को समझने के लिए पहले आपको जीवन को समझना पड़ेगा। अगर आप जीवन को नहीं समझेंगे तो आपको जीवन कभी समझ में नहीं आएगा। और जीवन को समझने के लिए जीवन में पैदा होना जरूरी नहीं है। अगर जो पैदा हो जाता है जीवन में, उसे पूरे जीवन जीवन समझ में नहीं आता है। और जब पूरा जीवन बीत जाता है तब आदमी कहता है जीवन तो बीत गया लेकिन जीवन समझ में ही नहीं आएगा। कुछ नहीं बता पाएगा वो आदमी कि आखिर जीवन क्या है। ये हिंदुस्तानी आदमी, जब कोई जवाब ना आए तो कुछ भी बोल दो। आओ पंकज बसुन, तुम कविता सुनाओ जोरदार तालियों के साथ। पंकज बसुन। अरे आज इस एपिसोड का पूरा माइलेज अनगढ़ जी ले जा रहे हैं, मैं देख रहा हूं उतनी देर से। अब गजब के शिक्षक हैं। एक बार इन्होंने अपने छात्र को एक वाक्य दिया कि कबूतर का हिंदी वाक्य में प्रयोग करो। छात्र ने जो प्रयोग किया वो देखिएगा, उसने लिखा, रात को पी लेता हूँ गुरुजी, कबूतर जाती है पता ही नहीं चलता। कबूतर, वाह। और अच्छा, तमाम तरीके के कवि होते हैं, वीर रस के कवि बड़े विकट होते हैं। मतलब इनका ये हाल होता है कि घर में काट न पाए भिंडी और जीते चले हैं रावलपिंडी। मतलब ये घर में चाय नहीं खौला पाते हैं लेकिन बातें खून खौलाने की करते हैं। जिस उम्र में इनको सरहज की चिंता करनी चाहिए उस उम्र में सरहज के पीछे जान दिए रहते हैं। एक बार क्या हुआ दोस्तों, एक वीर रस के कवि की शादी हो गई। अब वीर रस कवि की शादी हो गई, दिक्कत क्या हुई कि पत्नी घूंघट नहीं उठा रही। उसने कहा, पत्नी जी घूंघट उठाइए। उसने घूंघट नहीं उठाया। दो चार बार उसने आग्रह किया, उसने घूंघट नहीं उठाया। फिर उसने पत्नी को समझा पाकिस्तान और घूंघट को समझा सरहद। अच्छा। फिर उसने पंक्तियां लिखी, पत्नी को सुनाई। उसने लिखा कि बहुत हो चुकी खींचातानी, वो घूंघट नहीं उठा रही। हाँ। कि बहुत हो चुकी खींचातानी, अब तो नजर मिलाओ तुम। बहुत हो चुकी खींचातानी, अब तो नजर मिलाओ तुम। और कसम तुम्हें है भारत माँ की, घूंघट आज उठाओ तुम। कसम तुम्हें है भारत माँ की। अच्छा, पत्नी ने फिर भी घूंघट नहीं उठाया। उसने फिर चार पंक्तियां नीचे लिखी कि घूंघट नहीं उठाया तो फिर शंखनाद कर दूंगा मैं। और वीर रस कभी यही करता है, घूंघट नहीं उठाया तो फिर शंखनाद कर दूंगा मैं। जल थल नभ तीनों त्रिलोक को फिर विष से भर दूंगा मैं। और मुखड़ा नहीं दिखाया तो मैं ज्वालामुखी जगा दूंगा। और घूंघट नहीं उठाया तो इस्लामाबाद भगा दूंगा। अच्छा, अब ये पंक्तियां सुन के पत्नी बेहोश हो गई। फिर भी उसको तरस नहीं आ रहा। उसने फिर लिखा कि मेरे इस प्रचंड ओज को सुनकर भी तू सोई है। ओहो। फिर भी चुनौती दे रहा है कि मेरे इस प्रचंड ओज को सुनकर भी तू सोई है, इसीलिए ऐलान कर रहा पत्नी शादी द्रोही है। शादी द्रोही। क्या बात है पंकज भाई, जोश आ जाता है कवि को तो ऐसा करता ही है। ऐसे ही वीरस के कवि को अभी तो घूंघट उठाने की बात थी, रात को 2 बजे अचानक वो उठा, मुझे लकवा हो गया। बीमारी भी वीरस में, मुझे लकवा हो गया। पत्नी ने लाइट खोली, दी एक झापड़, बोले पजामे के एक पायचे में दोनों टांग फंसा रखी है। अब आप इस दृश्य की कल्पना कीजिए, बिल्कुल लकवे जैसा ही होता है और उस पर भी पजामा अगर चूड़ीदार हो तो।
आदमी कोमा में भी जा सकता है। तो खैर ये तो मसला जारी रहेगा यूं ही, और अभी हमें उन्हें सुनना है। जिनके नाम से ही हम लोग कांप रहे हैं। पक्का सुनाओगे? देख लो अगर एडजस्ट हो जाए तो हम लोग एपिसोड खत्म भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या लगता है, बुला लें? आओ। मैं शैलेश जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, मुझे आमंत्रित करके इतना लोगों को हंसाने का अवसर मुझे प्रदान किया। आजकल हमारे घरों में संतान नहीं परंतु शैतान पैदा हो रहे हैं। आजकल हमारे घरों में संतान नहीं परंतु शैतान पैदा हो रहे हैं। मेरा बच्चा एक दिन उसकी मम्मी के पास दौड़ता दौड़ता आया और बोला कि मम्मी मम्मी मैं पैदा कैसे हुआ, मम्मी मम्मी मैं पैदा कैसे हुआ। तो मेरी पत्नी एकदम उस सकपका गई और बोली, अपने आप को संभालते हुए बोली कि बेटा मैंने एक दिन एक डिब्बे में थोड़ी मिठाई रख दी और दूसरे दिन उस डिब्बे को खोला तो उसमें तू मुझे मिल गया। तो मेरे बच्चे ने भी दूसरे दिन एक डिब्बे में मिठाई रख दी और तीसरे दिन उस डिब्बे को खोला तो उसमें काकरोच निकला। तो मेरा बच्चा बड़ा तेज में आ गया, बड़े गुस्से में आकर के बोला कि नीच कमीने कुत्ते, अरे मुझे तुझ पर गुस्सा तो ऐसा आ रहा है कि अभी तुझे पैरों से कुचल कर मार डालूं, परंतु मुझे तुझ पर दया भी आ रही है कि आखिर तू औलाद तो मेरी ज है। शाला में पढ़ाते वक्त मैंने बच्चों से पूछा कि क्यों बच्चों महाभारत कितने दिन चला, तो एक बच्चा खड़ा हुआ और तपाक से बोला कि 22 दिन। मैंने कहा शाबाश, बहुत अच्छे। तो मेरा एक साथी शिक्षक था, उसने कहा कि अनगढ़ जी, अरे महाभारत तो 18 दिन चला, ये बच्चा 22 दिन बोल रहा है, फिर भी तुम इसे शाबाशी कैसे दे रहे हो। तो मैंने कहा कि 2 दिन पहले तो ये 24 दिन कह रहा था, आज 22 दिन कह रहा है और 2 दिन बाद ये 18 दिन कहने लग जाएगा। मैं पत्नी पीड़ित एक कवि हूँ और मैं पत्नी के ऊपर केंद्रित अपनी अभिव्यक्ति के द्वारा आपके समक्ष मेरी पत्नी का चित्र, शब्द चित्र खींचना चाहता हूँ। वाह, तो खींचो। यस। घर में मेरी बीबी भंगार क्या बताऊं, घर में मेरी बीबी भंगार क्या बताऊं, अरे भंगार क्या बताऊं, अंगार क्या बताऊं, घर में मेरी बीबी भंगार क्या बताऊं। कद में है वो छोटी, खोटी बिन पेंदी की लोटी, बनाता रोज रोटी करता हूँ उसकी चोटी। बनाता रोज रोटी करता हूँ उसकी चोटी, वह डरावनी चुड़ैल सी खूंखार क्या बताऊं, अरे घर में मेरी बीबी भंगार क्या बताऊं, घर में मेरी बीबी भंगार क्या बताऊं। 15-20 रोटी खाने में उसको लगती, 15-20 रोटी खाने में उसको लगती और 10-12 लड्डू खाने में वो है चखती, चखती और 10-12 लड्डू खाने में वो है चखती, वो बनी बुलडोजर मैं कार क्या बताऊं, अरे घर में मेरी बीबी भंगार क्या बताऊं, घर में मेरी बीबी भंगार क्या बताऊं। हर रोज की है लड़ाई, बेलन की मार खाई, हड्डी भी है तुड़ाई, प्लास्टर से है जुड़ाई, वह बड़ी बेशरम पगली मक्कार क्या बताऊं, अरे घर में मेरी बीबी भंगार क्या बताऊं, घर में मेरी बीबी भंगार क्या बताऊं। सैकड़ों किलोमीटर दूर रहने के बावजूद भी जो बेचारा पति, भयभीत पति, डर डर के कह रहा था, वो है चुड़ैल इतनी खूंखार क्या बताऊं, 10-20 रोज खाती है रोटी मैं करता हूं उसकी चोटी, वो है कितनी मक्कार क्या बताऊं, भंगार क्या बताऊं।
क्योंकि वो इसलिए डर रहे थे कि अभी तो बुराई कर ली पत्नी की, उनको घर भी जाना है, इसीलिए डर रहे थे। इस पे हंसना है? नहीं नहीं, हंस दिए वो लोग। पूछ लेते हैं, अगर इस पे हंसना हो तो हम हंसे? बोलो हंसना है तो हंसते। वाह, कमाल कर दे आप लोगों ने आज तो, क्या नई नई बातें कर रहे हैं आप लोग, अद्भुत। वाह 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 वाह, मजा आ गया। जल्दी शुरू करो, कहानी थोड़ी लंबी है। सब्जी खरीद रही है आंटी जी? ओ किमी काट कर जी, क्या कुछ किसी को देख के याद आता है? मुझे कुछ याद आ रहा है कि ग्राहक को बार बार सामान उठाते और फिर वही रखते देख दुकानदार चौंका। ग्राहक को बार बार सामान उठाते और फिर वही रखते देख दुकानदार चौंका, बोला क्या चाहिए भाई जी? मौका। वाह, पंकज बसुन ने कहा क्या चाहिए मौका। जिंदगी में मौके आसानी से मिलते नहीं और लोग देना भी नहीं चाहते। यहाँ एक ऐसी होड़ है, एक ऐसी दौड़ है जहाँ हर व्यक्ति दूसरे से आगे निकल जाना चाहता है। कोई नहीं चाहता कि आप उनसे आगे निकल जाएं, कोई नहीं चाहता कि आप तरक्की करें, कोई नहीं चाहता कि मंजिल पाएं। लोग चाहते हैं कि वो आपकी टांग में टांग अड़ाएं और आप कहीं न पहुंच पाएं, और मौका तो आपको कतई न मिले। लेकिन ये एक ऐसा मंच है जो नए नए रचनाकारों को मौका देता है, एक ऐसा मंच है जो नए नए कलाकारों और कवियों और शायरों को मौका देता है। हम चाहते हैं कि देश भर की प्रतिभाएं जो छोटे छोटे गांवों कस्बों में बैठी हैं और वहां रचनाएं कर रही हैं अपनी रचना धर्मिता से, वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं लेकिन उन्हें मौके नहीं मिलते। मुझे लगता है ये मेरा कर्तव्य है कि मैं देश भर की उन प्रतिभाओं को ढूंढूं और यहाँ ला के आपके समक्ष पेश करूं, ताकि इस देश को हिंदी कविता के और उर्दू शायरी के नए स्टार्स मिले। जिसकी कड़ी में आज हमने महेश अनगढ़ को आपके समक्ष प्रस्तुत किया, जो कसरावत से हमारे बीच में आए हैं। मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों को एक छोटे से कस्बे का नाम भी नहीं पता होगा, लेकिन आज से वो कस्बे का नाम भी पता होगा लोगों को, महेश अनगढ़ का नाम भी पता होगा। पंकज प्रसून लखनऊ से आते हैं, मालेगांव से शकील भारती आते हैं, वो तमाम वो लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगी में मौके खोजे, मौके पाए और उन मौक़ों से आगे बढ़े। आपको भी कहीं मौका मिले तो उस मौके को ज़रूर भुनाइए, आगे बढ़िए। लेकिन एक बात ज़िंदगी में हमेशा याद रखिए, कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो प्रतिभाशाली हो, कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो क्रियाशील हो, कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो रचनात्मक काम करना जानता हो, कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसमें आगे बढ़ने का मादा हो, कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसके भीतर एक आग हो, कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसके पास साधनों की कमी हो, उस व्यक्ति को मौका ज़रूर दीजिए। अगर आप एक ज़िंदगी बनाएंगे तो एक दुनिया बनाएंगे। वाह भाई वाह।